नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद अब इस वर्ग के लिए प्रभागों में सिटी के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आज महल स्थित नगर भवन में ओबीसी सीटों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके चलते न केवल नए इच्छुकों बल्कि दिग्गजों की भी नींद उड़ाई गई है। माना जा रहा है कि इसके पूर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण निर्धारित होने के बाद बची सीटें सभी के लिए खुली रह गई थी, जिस पर न केवल सामान्य वर्ग बल्कि ओबीसी वर्ग के इच्छुक भी लड़ सकते थे। किंतु अब ओबीसी आरक्षण ही निर्धारित होने से इन सीटों पर किसी भी ओपन वर्ग का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। साथ ही यदि ओबीसी वर्ग में महिला के लिए सीटें आरक्षित हुई तो वहां पहले से ही प्रस्तावित ओबीसी नेता की सीट भी खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि इच्छुकों और स्थानीय नेताओं को दिन में तारे नजर आने लगे। जानकारों के अनुसार इसके पूर्व में निपटाए गए चुनाव प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला वर्ग के लिए आरक्षण ड्रॉ निकाला गया था। हॉकर्स को लेकर नागपुर महानगर पालिका की होदरी नीति और टाउन वेडिंग कमेटी को लेकर लगातार उलझते जा रहे विवाद ने अब नया मोड़ लिया है। पथ विक्रेता कानून 2014 का उल्लंघन कर नागपुर महानगर पालिका द्वारा 15 जुलाई 2019 को हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर किए जाने का खुलासा नागपुर जिला पथ विक्रेता संघ के अध्यक्ष जम्मू आनंद ने किया। गुरुवार को संविधान चौक पर पथ विक्रेताओं की ओर से जमकर प्रदर्शन आंदोलन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर करने वाले उप निगमायुक्त को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग भी पथ विक्रेताओं की ओर से की गई। संविधान चौक पर प्रदर्शन के बाद संघ की सचिव कविता धीर के नेतृत्व में जिलाधिकारी का ज्ञापन सौंपा गया। शिष्टमंडल में प्रकाश कावड़े, कुणाल गोस्वामी, गायत्री चकोले, अफसार शेख, अभिषेक गुप्ता आदि शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान आनंद ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर मनपा ने टाउन वेडिंग कमेटी का चुनाव कराया है, जिसके चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसकी जगह पर केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 जून 2019 को जारी मार्गदर्शक तत्वों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सीताबर्डी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत 20,98,425 वर्ग फुट जगह का न्यायालय के आदेशों के अनुसार पुनर्विचार किया गया। तदनुसार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के लिए गुरुवार को हुई विश्वस्त मंडल के समक्ष रखा गया। इस पर चर्चा के दौरान विश्वस्तों का मानना था कि सर्वप्रथम लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त जमीन का मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह की गारंटी लेने के बाद ही समझौता किया जाना चाहिए। इसी तरह से लाइसेंस के अनुसार आवंटित जगह को लेकर नियम 5(2) के नियम 26 के अनुसार शिथिलता प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजने का फैसला भी किया गया। गुरुवार को हुई विश्वस्त मंडल की बैठक में प्रन्यास सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी ने मंजूरी के लिए कई प्रस्ताव रखे, जिनमें से एक प्रस्ताव हिवरी नगर के मिडिल रिंग रोड ईस्ट प्रिंसिक्ट भूखंड पर निर्माण होने वाले प्रोजेक्ट भी था। प्रोजेक्ट के अनुसार बीओटी ऑपरेटर ईडो पैसिफिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कमर्शियल और निवासी उपयोग के लिए निर्माण की मंजूरी देना था। इस पर लंबी चर्चा के बाद विश्वस्तों ने सर्वप्रथम बीओटी ऑपरेटर को आर्बिट्रेशन के लिए दायरा मामला बिना शर्त वापस लेने, प्रन्यास और मनपा का संपूर्ण बकाया ब्याज के साथ भरने, बिक्री के लिए फ्री होल्ड राइट नहीं देने जैसे शर्त के अधीन ही अगली कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। नीट परीक्षा में शामिल अनघा जायसवाल नामक छात्रा ने परीक्षा केंद्र DPS कामठी प्रबंधन पर निर्धारित समय से कम समय देने का आरोप लगाया। छात्रा का कहना है कि परीक्षा केंद्र के कमरा नंबर 24 में लगी घड़ी खराब थी, जिसके कारण कमरे में मौजूद सभी परीक्षार्थियों को 20 मिनट कम समय प्रश्नों को हल करने के लिए मिले। इससे मेरिट लिस्ट में आने की संभावना धूमिल हो गई है। छात्रा के पिता प्रमोद जायसवाल ने बताया कि घड़ी की खराबी CCTV फुटेज में कैद है। इस मामले की जांच कराने के बाद कमरे में मौजूद सभी परीक्षार्थियों के लिए दोबारा नीट परीक्षा आयोजित की जाए, ये विद्यार्थियों के करियर का सवाल है। उन्होंने इस मामले की शिकायत PMO कार्यालय तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी की है। अभिभावकों ने DPS कामठी के खिलाफ पुलिस से भी शिकायत की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कोरोना को लेकर लापरवाही भारी पड़ने लगी है। एक ओर जहां संक्रमित बढ़ने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। बुधवार की रिपोर्ट में 2 मरीजों की मौत का उल्लेख था, वहीं गुरुवार को फिर एक मरीज की मौत हो गई। इसी बीच जिले में 269 नए पॉजिटिव मिले, इनमें सिटी में से 164 और ग्रामीण के 105 लोगों का समावेश है। वहीं 24 घंटे के भीतर 247 मरीज कोरोना से मुक्त भी हुए।
फिलहाल जिले में 1665 एक्टिव केस है, इनमें 1587 होम आइसोलेशन में है, जबकि 78 मरीज विविध अस्पतालों में भर्ती है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। प्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ये वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशी की बात है, परंतु हाल ही के दिनों में जिस तेजी से बाघों की मौत हो रही है वो एक चिंता का कारण बना हुआ है। फिलहाल देश के नक्शे पर व्याघ्र संरक्षण के मामले में महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में बाघों के संरक्षण में महाराष्ट्र से आगे है। वर्ष 2010 में भारत और दुनिया के 12 अन्य देशों ने बाघों के संरक्षण को लेकर एक समझौता किया था, जिसमें वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2010 में भारत में बाघों की संख्या करीब 1706 थी, जो वर्ष 2018 में 2967 हो गई। वर्ष 2022 के अधिकृत आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन वन्य प्रेमियों का मानना है कि भारत में बाघों की संख्या 3500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस प्रकार भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बाघों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। बाघों की संख्या बढ़ने से वन्य जीव प्रेमी गदगद है। कहने में गुरेज नहीं है कि बीते करीब 20 वर्षों से जिला परिषद के पदाधिकारी जिला परिषद की मालिकी की जमीनों को आय का स्रोत बनाने के लिए कभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा करते हैं तो कभी कुछ और, लेकिन अब तक केवल कागजी सर्कस ही देखी जा रही है। बड़कस चौक की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बाद में बदलकर महिला बचत गट मॉल्स कर दिया गया। साई मंदिर वर्धा रोड वाली जमीन पर किसानों के लिए मॉल्स की घोषणा की गई है। मानकापुर की वॉक्स कूलर वाली 4 एकड़ की जमीन का अतिक्रमण हटाया गया था, वहां भी अब तक कुछ नहीं किया गया। विद्यमान अध्यक्ष द्वारा सरपंच भवन में पेट्रोल पंप वाली रिक्त जमीन पर महिला बचत गटों के लिए मिनी मॉल्स तैयार करने की घोषणा की गई है। उसके बाद पूर्व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने हर तहसील में बचत गटों व कृषि उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए जिला परिषद की मालिकी की जमीन में छोटे छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या मॉल्स बनाने की घोषणा की थी। जो नई घोषणाएं हुई हैं, उनके प्रस्ताव तक फिलहाल तैयार नहीं है। वर्षों से जो मॉल्स बनाने का दावा किया जा रहा है वो भी अब कागजों पर ही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के HHT सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रविश कुमार सिंह ने चलती ट्रेन में टिकट की जांच तथा उपलब्ध सीट दूसरे यात्रियों को मुहैया कराने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों को कुल 90 हैंड हेल्ड टर्मिनल उपकरण प्रदान किए हैं। गुरुवार को इतवारी स्टेशन से सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद की उपस्थिति में गाड़ी नंबर 12856 में इसे लागू किया गया। इसके अलावा इसका उपयोग टिकट जांच कर्मियों द्वारा मंडल के अंतर्गत गाड़ी नंबर 12069 जनशताब्दी एक्सप्रेस, गाड़ी नंबर 18239 शिवनाथ एक्सप्रेस तथा गाड़ी नंबर 12855 इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी किया जा रहा है। इसी तरह की व्यवस्था से ट्रेन में खाली सीट के बारे में जानकारी तथा इससे प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को भी खाली सीट उपलब्ध कराने की सहूलियत होगी। ज्यादा बुकिंग से रेलवे का भी राजस्व बढ़ेगा, साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के उपकरण से टिकट जांच करने वाले कर्मचारी को भी सहूलियत होगी। उनके टर्मिनल उपकरण पर उपलब्ध सीटों का विवरण होगा और मैनुअल आरक्षण चार्ट की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को सीट आवंटित कराने में काफी परेशानी होती है, लेकिन अब ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर शहर अध्यक्ष वसीम लाला के नेतृत्व में शहर के पदाधिकारियों व विभागीय अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यकारिणी सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से नागपुर महानगर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति प्रशासन की ओर से शालेय शिक्षण में बाधा व प्रभागों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। इस कार्यकारिणी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन रवि भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर प्रमुख दिनेश्वर पेठे ने की व मार्गदर्शन प्रदेश महासचिव अफजल फारूक, पूर्व विधायक प्रकाश गजभिया ने किया। प्रमुख अतिथि शब्बीर अहमद विद्रोही थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव शकील अहमद ने किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव बंटी अलेक्जेंडर, अब्दुल शकील रहीम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर उपाध्यक्ष SB अहमद, तौसीफ शेख, महासचिव अरशद सिद्दीकी, अजहर पटेल, राजा खान, वसीम अंसारी, नौशाद हैदरी, पास्टर योगेश लांजेवार, हाजी बाबू, भरत सहारे, विभागीय अध्यक्ष मिर्जा जावेद बेग, मोहम्मद असलम अंसारी, पास्टर मनोज जामगड़े, आसिफ खान, माजिद कुरैशी, शाफिक खान, इरशाद अंसारी,
ब्रजपाल सिंह साहनी, शहजाद अंसारी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विविध सेल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित थे। निपुण भारत अभियान के तहत भविष्य की शिक्षा प्रणाली छात्रों में सीखने के कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों की गणितीय, भाषाई, पारस्परिक और प्राकृतिक बुद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे ने गुरुवार को बताया कि संभाग के आदिवासी विकास विभाग के 75 स्कूलों में भविष्य की शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शिक्षकों को शिक्षण पद्धति में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और समूह शिक्षा, विषय मित्रों, पड़ोस की शिक्षा और सहकर्मी शिक्षा का उपयोग करके विभाग की नवचेतना पहल को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। ठाकरे वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में भविष्य की शिक्षा के विषय पर जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर मनरेगा योजना के मास्टर ट्रेनर एवं शिक्षा विशेषज्ञ नीलेश घुगे मौजूद थे। ठाकरे ने कहा कि सरकारी आश्रम स्कूलों में बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए शिक्षण और छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षण और सीखने के कौशल को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। हर छात्र का सीखने का स्तर और सीखने की गति अलग होती है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 3,850 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 5,37,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 31,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 9 मामलों में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,18,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने ये आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। संत शिरोमणि सावता मालिका 3 दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव उत्सव से संपन्न हुआ। 25 जुलाई 2022 से 27 जुलाई तक 3 दिवस चले इस आयोजन की विधिवत शुरुआत समाज सेवी डॉक्टर पुरुषोत्तम खालसे के हाथों श्री संस्थापना व ध्वजारोहण करते हुए की गई। वही 3 दिन संत सावता माली मठ में भजन, पूजन, कीर्तन आदि के साथ पूजा अर्चना कर 27 जुलाई की दोपहर को तकरीबन 25 से 30 अनुयायियों ने भजन करते हुए शहर के मुख्य मार्ग से संत सावता माली महाराज की पालकी का भ्रमण कर गांधी पुतला स्थित हनुमान मंदिर में दही एवं प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार, पूर्व नगर सेवक व उपाध्यक्ष गोपाल घटे, पूर्व नगर सेवक डोमासाव सावजी, व्यापारी संघ के सचिव मनोज बसवार आदि ने संत सावता माली के पालकी का विधिवत पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजित पालकी यात्रा का उपविभागीय अधिकारी अतुल मेत्रे, पूर्व नगर सेवक सुनील सापेकर के हाथों पूजन कर पालकी यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा होली चौक, बाजार चौक, गडकरी चौक, गांधी पुतला, बस स्थानक आदि मार्गों से भ्रमण कर सावता माली मठ पहुंची। यहां माली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे, महात्मा फुले शिक्षण संस्था के संचालक राजेंद्र वाघ, सावनेर के थानादार मारुति मुलुक आदि मान्यवर के हाथों उत्सव में शामिल सभी भक्तों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ मंगलवार को वाड़ी कांग्रेस ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, जिसमें नागपुर तालुका ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस, वाड़ी शहर युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। सत्याग्रह में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई कर कांग्रेस पर मोदी सरकार दबाव बना रही है। जो विपक्षी नेता है उन पर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। क्या भाजपा में करोड़पति और अवैध संपत्ति धारक नेता नहीं है, फिर उन पर क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं होती? यह सवाल कांग्रेस पदाधिकारियों ने ईडी पर उठाया। इस आंदोलन में नागपुर जिला परिषद सदस्य कुंदा राउत, नागपुर पंचायत समिति की अध्यक्ष रेखा वर्ठी, जिला परिषद सदस्य ममता धोपटे, नागपुर तालुका अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाड़ी शहर अध्यक्ष शैलेश थोराने, नागपुर जिला युवा उपाध्यक्ष अश्विन बैस, जिला उपाध्यक्ष भीमराव कड़ू, जिला महासचिव दुर्योधन ढोने, लावा उप सरपंच महेश तोखांद्रे, पूर्व सरपंच भीमराव लोखंडे, सोनेगांव सरपंच तेजस्विनी धुर्वे, उप सरपंच कृष्णा सरीन, सदस्य विनोद लंगोटे, वर्षा पिल्ले, सीमता नरोले, ज्योति रकटाटे, किरण सिंह के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ मंगलवार को वाड़ी कांग्रेस ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, जिसमें नागपुर तालुका ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस, वाड़ी शहर युवक कांग्रेस,
महिला कांग्रेस ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। सत्याग्रह में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई कर कांग्रेस पर मोदी सरकार दबाव बना रही है। जो विपक्षी नेता है उन पर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। क्या भाजपा में करोड़पति और अवैध संपत्ति धारक नेता नहीं है, फिर उन पर क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं होती? यह सवाल कांग्रेस पदाधिकारियों ने ईडी पर उठाया। इस आंदोलन में नागपुर जिला परिषद सदस्य कुंदा राउत, नागपुर पंचायत समिति की अध्यक्ष रेखा वर्ठी, जिला परिषद सदस्य ममता धोपटे, नागपुर तालुका अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाड़ी शहर अध्यक्ष शैलेश थोराने, नागपुर जिला युवा उपाध्यक्ष अश्विन बैस, जिला उपाध्यक्ष भीमराव कड़ू, जिला महासचिव दुर्योधन ढोने, लावा उप सरपंच महेश तोखांद्रे, पूर्व सरपंच भीमराव लोखंडे, सोनेगांव सरपंच तेजस्विनी धुर्वे, उप सरपंच कृष्णा सरीन, सदस्य विनोद लंगोटे, वर्षा पिल्ले, सीमता नरोले, ज्योति रकटाटे, किरण सिंह के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कामठी मऊदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों में ग्रामगढ़ जुनापानी गांव से लगे बड़े तालाब की मिट्टी से बनी दीवार टूटने से 17 स्थानीय आदिवासी परिवारों का बहुत नुकसान हो गया। इस पर तेजस बहुउद्देशीय संस्था ने अध्यक्ष चंद्रशेखर अर्गुलेवार के नेतृत्व में पीड़ित परिवार को अनाज, किराना, सब्जी व कपड़े का वितरण किया गया। साथ ही सुपर केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर वशील उर्शाई रहमान व टीम द्वारा निशुल्क में जांच कर दवाइयां वितरण किया गया। उपरोक्त अनाज किट वितरण में संस्था के सहयोगी व मार्गदर्शक सीए सुनील चोखारे, शावनी परिषद पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र बुटानी, सीए शिल्पी टिट्टावाल, बिल्डर अशोक धोपटकर, तिवारी गैस एजेंसी संचालक बबलू तिवारी, महाराष्ट्र कपड़ा केंद्र संचालक मनोज बत्रा, संपादक एमए जब्बार, राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश काकड़े, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष वासे, तेजस संस्था के संचालक चंद्रशेखर अर्गुलेवार आदि गणमान्य व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। इस राशन किट वितरण उपक्रम में आदिवासी नेता कुलसुंगे, मगरूर पीर ग्राम पंचायत सरपंच मडपाते, उप सरपंच गजेंद्र भगत, पूर्व DFO नीलकंठ डेका, भाग्यश्री सुरपाम, संजीवनी कुमारी, डॉक्टर वलीउर शाही रहमान, डॉक्टर इस्मत जेहरा, उमेश दहामे, ऋतिक गुप्ता, तेजस अर्गुलेवार, तेजस संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर अर्गुलेवार आदि ने सहकार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव व सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश शरण का जन्मदिन मनाते हुए विभिन्न स्थानों में 75 पौधे लगाए। पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए आशा नर्सिंग होम व रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना जरूरी है। पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ परिवार को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। गो सेवा समिति के कार्याध्यक्ष भाजपा शहर कार्याध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने सभी अतिथियों का आभार माना और गौशाला को और बेहतर बनाने के लिए समाज के गणमान्य व्यक्तियों के सुझाव मांगे। इस अवसर पर भाजपा के शहर कार्याध्यक्ष राजेश खंडेलवाल, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष व छावनी परिषद के मनोमित सदस्य कमल यादव, जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिरिया, शहर अध्यक्ष पंकज वर्मा, सोशल मीडिया विदर्भ संयोजक लक्की चावला, भाजयुमो शहर महामंत्री राजा यादव, जिला अल्पसंख्यक सदस्य अशफाक भाई, भाजपा शहर मंत्री प्रफुल यादव, पर्यावरण मित्र देवानंद देशमुख आदि गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग रहा। राज्य पुरस्कृत सोयाबीन फसल उत्पादन बढ़ोतरी मूल्य विकास योजना 2022-2023 के तहत वर्कशॉप का आयोजन बीवापुर के ग्राम वाकेश्वर में किया गया। इसके तहत समूह निर्मिति, सोयाबीन फसल निरीक्षण, चित्रीकरण, प्रस्तुतीकरण, सामूहिक खेल, लघु प्रयोग, विशेष अभ्यास एवं नव नियुक्त कृषि सहयोग को शेतीशाला प्रशिक्षण आदि कार्य किए गए। इस उपक्रम के तहत कृषि अधिकारी राजेश दोरांदे, मंडल अधिकारी आढ़ल, गोंदेवार कृषि पर्यवेक्षक झाड़े माटे खुजे, कृषि सहायक मेंघरे, कलस्कर ग्राम के सरपंच मोटघरे, उप सरपंच चंदा गावड़े तथा किसानों की उपस्थिति रही। भाजपा अनुसूचित जाति आघाड़ी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कामठी शहर के रमानगर स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति आघाड़ी शहर अध्यक्ष विकी बोमले के हस्ते पीपल, कड़वा नीम के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष संजय कनौजिया, कार्याध्यक्ष राजेश खंडेलवाल, शहर महामंत्री उज्जवल रायबोले, शहर महामंत्री राज हडोती, पूर्व नगर सेवक लाल सिंह यादव, धनराज यादव आदि गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित थे। पौधारोपण कार्यक्रम में सफलतार्थ पूर्व नगर सेविका संध्या उज्जवल रायबोले, मनीषा माटे, रजनी यादव, करिश्मा उके, कुसुम यादव, उमा मडावी, पार्वती यादव, प्रमिला मेश्राम, शांति यादव, कांता माटे, पूजा यादव, सपना मडापे, पार्वती यादव, सुकेशनी गजबीए,
संविधान उके देवीदास वैद्य, हेमंत यादव, अमित बोरकर, लेखक चौहान आदि ने सहकार्य किया। सावनेर तालुका क्षेत्र के विविध स्कूलों में विद्यार्थियों को शालेय सामग्री का वितरण किया गया, जिसका आयोजन ताजुद्दीन बाबा दरबार वाकी ट्रस्ट द्वारा किया गया। संपूर्ण देश में कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है, जिससे देशवासियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए वाकी दरबार ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रभाकर डहाके, छाया डहाके एवं परिवार की ओर से कुल 600 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री बांटी गई, जिसमें जिला परिषद प्राथमिक शाला भेंडाला, पिंपला, डागबंगला, वेलतूर, गोसेवाड़ी, ईसापुर व आंगनवाड़ी स्कूलों का समावेश है। साथ ही हाई स्कूल के 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों को ज्योमेट्री बॉक्स और जिला परिषद प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, टिफिन बैग, वाटर बैग, बूट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के सफलतार्थ ज्ञानेश्वर डहाके, रत्नाकर डहाके, गोपाल डहाके, गिरीश डहाके, महेश डहाके, वैभव डहाके एवं स्वयं सेवकों ने परिश्रम किया। कई दिनों के लगातार बारिश से कोंढाली सहित संपूर्ण काटोल तहसील में अतिवृष्टि की स्थिति बन गई है। फलस्वरूप हर जगह किसान गंभीर संकट में है, इसलिए सरकार को किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लेकर जल्द रकम दिलाने की घोषणा करने की मांग कोंढाली के उप सरपंच स्वप्निल सिंह व्यास ने की है। यह मांग का एक ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी के जरिए राज्य सरकार तक पहुंचाई गई है। कोंढाली के उप सरपंच स्वप्निल सिंह व्यास द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए इस ज्ञापन में बताया है कि लगातार बारिश से कोंढाली काटोल तहसील के सभी नदी नाले उफान पर है। साथ ही किसानों के खेतों में अतिवृष्टि के कारण खेतों में जल जमाव से हाल ही में बोई गई तथा अंकुरित खड़ी फसलें पानी में डूबी रहने से फसलों की जड़ें सड़ गई हैं, जिससे कपास, सोयाबीन, उड़द, मूंग, जवार, तुअर आदि खरीफ फसलों के साथ साथ संतरा बागानों को भारी क्षति पहुंची है। कोंढाली काटोल क्षेत्र में अतिवृष्टि का जायजा स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लेकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान के पंचनामा बनाने के निर्देश भी दिए गए। राज्य के मुख्यमंत्री तथा सरकार द्वारा कोंढाली काटोल क्षेत्र को अतिवृष्टि अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर स्थानीय किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने के आदेश देने की मांग व्यास ने की है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।